Are movie, kya acha kaam kare are baba. इंसान को कभी भी तकलीफ होती सबसे पहले मुसलमान आगे खड़ता उन्हें पीछे नहीं रहता हमेशा हमें डरे कर उनको कौन तुम्हारे बाबा बोले थे तू अगर मर्द का बच्चा है मशीन निकाल बैलेट पेपर में आ तुझे उखाड़ को नहीं फेंका तो पूछ हमें इस मुल्क के क्या है बोला मोदी तू भी हमारे शिक्षा का बेटा रे पिछले 50 साल से गुलबर्गा को आ रहा हूं कई सारे सैकड़ों जलसों में तकरीर किया हूं लेकिन गुलबर्गा की तारीख में कभी ऐसा जलसा नहीं हुआ और इतने लोग कभी नहीं थे और पहली बार मैं मोदी का भी शुक्रिया अदा करता हूं इस वजह से 70 साल से हम ये कौम को एक नहीं कर सके ये पूरी कौम मसलक में बटी हुई थी आज मसाइल के ऊपर ना कोई आले हदीस है ना सुन्नी है ना बरेलवी है ना तबलीग है अरे मोदी क्या अच्छा काम करे अरे बाबा ये लोग चाहते क्या है वो चाहते हैं मनुस्मृति इस देश में लाए मनुस्मृति का माना क्या है मनुस्मृति का माना ब्राह्मण क्षत्र शूद्र वैश्य ब्राह्मण पैदा हुआ सिर से क्षत्रिय पैदा हुआ छाती से वैश्य पैदा हुआ पेट से शूद्र पैदा हुआ पांव से हमें कहां से पैदा हुए नहीं बोले उन्होंने तो हमें बोले हमें जहां से पैदा होना था वहां से छुए इनको जो है पता है ये कौम को डरा नहीं सकते धमका नहीं सकते इसलिए बोल रहे एनआरसी नहीं है मुसलमानों मत डरो हमेशा हमें डरे कर उनको कौन तुम्हारे बाबा बोले थे जो खौफ नमरूद को नहीं डरी 1400 साल से इस सरजमीन के अंदर तातारिया मिटाने की कोशिश की तुम बोलते हो इस्लाम को खत्म करेंगे जब तक कुरान बाकी है इस्लाम तो इस्लाम क्या तुम कुरान का एक लफ्ज नहीं बदला सकते सारे तुम कितना भी काटो 2000-3000 गुजरात में काटिया तादाद कम भी नहीं भी तू समझ रहा सिंगा हमें सिटीजनशिप को मर रही जमीन के वास्ते मर रही हमें जमीन की सिटीजनशिप के वास्ते न हुए खबर की सिटीजनशिप के वास्ते मरने वाले मुसलमान है मोदी तेरी जिंदगी 80 साल हमारी जिंदगी खबर में हजारों साल जो है गुजारने वाले हैं मिन्हा खलकनाकुम इन्ना नुरीदकुम इन्ना नुखरिजकुम तारतन उखरा हर दफनाने वाले को यही बोलते हैं इसी मिट्टी में पैदा हुए इसी मिट्टी में पहुंचा रहे हैं इसी मिट्टी से तुम्हें उठाया जाएगा 1400 साल से जितने तदफीन हुए हैं यहाँ पर सबको यही बोल के तदफीन किए हैं ये मिट्टी में रोजाना 5 वक्त हम सिजदा करते हैं 5 वक्त फजर जहर असर मगरिब ईशा तू दिन में एक बार माथा नहीं टेकता लेकिन मुसलमान 5 बार इस मिट्टी को माथा टेक के कहता है मोदी अमित शाह मंत्रालय को जा वहां तांबे के तगड़े में लिखे हैं
गुरु राघवेंद्र कुछ का खैरात देने वाला अधोनी का नवाब मुसलमान था। क्या नवाब साहब को वोटाने की जरूरत थी? श्रृंगेरी स्वामी सुल्तान को खत लिखता है, टिप्पू सुल्तान आप इस देश के राजा हो, मैं इस देश का स्वामी हूँ, मुझे जो है चित पावन ब्राह्मण मार के भेजे, मेरी मदद करो। सुल्तान फौरन आर्मी को भेजता, मराठे ब्राह्मण को मारता, कमर तोड़ता, स्वामी को लाता, दोबारा शारदा पीठ का मठ जो है वहां स्थापन करता। उस दिन से आज तक श्रृंगेरी मठ में आरती निकालने से पहले सलाम आरती कर को एक आरती करती, किसके नाम पो? टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। है बीजेपी वाले तेरे पास जवाब इसका? मेरी रिकॉर्ड, मेरी तकरीर तुम्हें रिकॉर्ड कर रही, तुम्हें मर्द माने के बच्चे रहे तो आओ कल सुबह को बोलो मैं चैलेंज कर दू। 48 साल से फिर रो रहे तुम्हारी बाबा की कुंडली लिखा सवाला मैं, मेरे पास तुम्हें चैलेंज करती। 60 पर 3 भी मीटिंग है, दिन रात है मैं सोई नहीं। तो पेपर वाले पूछे मुझे, मुसलमान को ये तकलीफ नहीं होती तुम्हें निकले क्यों? बाबा हमारी फितरत है, इंसान को कभी भी तकलीफ होती सबसे पहले मुसलमान आगे खड़ता, उन्हें पीछे नहीं रहता। इसकी मिसाल तुझे होना, इंडिया गेट को जा रहे 1,00,000 नामा है, उसमें 60 पर 3,000 मुसलमाना शहीदान के नामा उस पर लिखे हैं। ये कौन मई लिखा? मोदी तुम्हारा बाबा लिखा? हमें तो 800 साल हुकूमत करे सो रे, हमारा राजा तुम्हारा मिनिस्टर, हमारा राजा तुम्हारा सिपाहसालार, हिंदुस्तान का लाल किला बेटे जिस पर तू खड़ को तकरीर करता, मेरे नाना शाहजहान बंदे से लाल किला है। जो भी बाहर से आ रही लाल किला दिखा रहा, ताजमहल दिखा रहा, अगर ये नहीं रहते तो हमेशा तेरी धोती दिखाता था तू। मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने क्या बच्चे पैदा करे? हो रे काम नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे? नौकरी नहीं, हमना दूसरा काम इस क्या है? मुगले आजम खाओ धनाधन चलते रहो, फिर करना क्या है? काम नहीं नौकरी नहीं। अब उन्हें भगवत बोलता दोष पैदा करो, तेरे में वो भी ताकत नहीं है, हमारे में जबरदस्त ताकत है। अब वो यूपी का चीफ मिनिस्टर, क्या नाम उसका? योगी। जोरू ना बच्चे आगे ना पीछे, ऐसे के हाथ में हुकूमत दिया तो खाने की कीमत क्या जी मालूम होती? आज गो हत्या कर्नाटक में काटो नको, गोवा कर्नाटक में तेरी अम्मा, गोवा में कौन तेरी चिचानी, मिजोरम में कौन तेरी मेंद्री अम्मा, जहां घूटा मार रहे वहां काटने दे रहे, जहां खामोश रह रहे वहां को अंगलियां कर रहे, नक्को बाबा सबर करे हमें। सफिया 8 साल की बच्ची को शहीद करे सबर करे, 3 तलाक सबर करे, बाबरी मस्जिद सबर करे, कश्मीर में 5 महीने तू कर्फ्यू लगा को 1 करोड़ लोगों को तू जुलुम करे सबर करे, सबर की भी एक हद होती बाबा, उसके वास्ते आज कफन सिर को बन को हमें निकले हुए हैं, अब सबर का पैमाना नहीं। और कभी तुम्हें घबरो ना को, हम ना कंसंट्रेशन कैंप में डालेंगे, हम ना वो पूछेंगे, ज्यादा पूछा तुम्हारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम।
तुम्हारी अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम। ये बात बोला मोदी, तू भी हमारे चिच्चा का बेटा रे, तू भी आदम की औलाद है। हमारा कोई एनआरसी सीआरसी की फिक्र नहीं, चैलेंज लेको निकले हमें। मैं बोला 18 महीने जेल में था सोरा में, ढूंढ रही मेरा क्या तो मिलता क्या। मैं बोला झुब्बा पैजामा और क्या मिलेगा। बोला नहीं, पाकिस्तान से आने वाले को हमें दे रहे, ठीक है तू दे रहा। 5 लाख मुसलमान हिजबुल मुजाहिदीन के ना मैं नाम रख ले को, हमें हिंदू आकर को उन अंदर आ गए तो उन हिंदू कर को तू कैसा प्रूव करता। उन्होंने यहाँ बम रखे तो कैसा प्रूव करता। अब हिंदू मुसलमान की पहचान का तो क्या है, काना चुभाना नहीं, दूसरा किच। ये 5 लाख लोगों को खोल को देखना मोदी। याद रखो भाइयों बहनों, तू अगर मर्द का बच्चा है, मशीन निकाल, बैलेट पेपर में आ, तुझे उखाड़ को नहीं फेंका तो पूछ हमें इस मुल्क के क्या है। है हिम्मत हार मैदान को, बैलेट पेपर ला, बैलेट पेपर के अंदर मारते धक्का। उन्हें बेंगलुरु का एमपी बोलिया, पंचर डालने वाले हौरे बाबा, हमें हलाल का खाने वाले हराम का खाने वाले नहीं। पंचर अब तुम्हारी फटरी अब डालती पंचर हमें, तुम ना ऐसा पंचर लगेंगे फिर खुलना नहीं। क्या महाराज, नहीं रे वो हिजड़ा ऐसा सवाल पूछता लिया, मैं क्या जवाब दूं मालूम नहीं हो रहा। अरे उसका जवाब मैं दे, तुम बुला ले जाओ राज्यसभा का। इन्हें गद्दे को लिया, लकड़ी ले लिया, सभा को गया। पूछ रहे हिजड़े क्या पूछता, दुनिया में सेंटर जगह कौन सी, धोबी धंडा निकाल को धट कर मारा, ये सेंटर जगह। हनुमान रे तो माप लगा मेरे बेटे का। अब हिजड़ा देखे ना बड़ा अकल वाला है, आसमान के ऊपर सितारे कहते हैं, फट का आग ने गद्दे के ऊपर मारा, मेरे गद्दे के बाला कहते हैं कि वत्ते सितारे हुना रहा तो माप ले मेरे बेटे का। अब इन्हें बोला बड़ा धोबी निकला, औरता कहते हैं मर्दा कहते हैं, धोबी एक घंटा सिर फिराते रहा। महाराज पूछे क्या हुआ, नहीं महाराज मैं गिन रहा हूं, जरा हिसाब मिले तक मुझे टाइम दियो। उसके बाद नहीं हुआ, लट्ठा उठाया हिजड़े को मारने लगा। महाराज पूछा की रे, नहीं महाराज न मैं बैका को गिना तो बैका की लाइन में खड़ता, मरद माना के लाइन में खिड़ा तो मरद माना की लाइन में खिड़ता। क्या गया तो ना वहां गया तो आज ये अमित शाह मोदी जो है, यहाँ पूछा एनआरसी नहीं मालूम है इसने, वहां वो बोलती यहाँ ये बोलती, मरद की औलाद बाहर आ। हिम्मत है तो बोल, तो इस देश का प्राइम मिनिस्टर हिम्मत रहे तो बोल, अगर हिम्मत नहीं है कुर्सी से उतर। राज करना खून हमारे खूनों के अंदर बसी है, राज करेंगे पूरों को लेके करेंगे, दलित लिंगायत सबको मिला के करेंगे। अकेला खाने की फुर्सत हमना आदत नहीं है, सबको बांट को खाना ये इस्लाम का फरीजा है। तो इसलिए बुजुर्ग दोस्तों 10 आधा घंटा और बढ़ जाओ। वामन मिश्रा बहुत बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, उन्होंने भी जो है तकरीर करने वाले हैं। इसके बाद से मैं हर तालुके को आता हूँ, सेडम चिंचोली जितने हैदराबाद कर्नाटक के अंदर हर तालुक लेवल में मीटिंग रखा, वहाँ आएंगे मुल्क मैदान तोप फोड़ेंगे। जय हिंद जय कर्नाटका खुदा।